मकर संक्रांति का त्योहार पतंग और मार्बल के खेलों के मामले में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है और इसी के साथ यह पतंगबाजी और मार्बल के खेल इस त्योहार को और ज्यादा हैप्पीनेस से भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन पतंग को कैसे बनाया जाता है और इसी के साथ इस वीडियो में हम मार्बल बॉल यानी कंचे की मैन्युफैक्चरिंग भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं काइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, इन काइट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक विशेष कागज वाइब्रेंट का यूज किया जाता है जो कि वेटेज में हल्का और दिखने में भी अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, सबसे पहले इन कागजों की लेयर को एक निर्धारित शेप में फैक्ट्री में ऑटो कटर मशीन द्वारा बराबर बराबर भागों में काटा जाता है। कहीं कहीं पर इस काम को वर्कर्स द्वारा हाथों से भी किया जाता है। जिन वर्करों द्वारा इन पतंगों को एक जैसा शेप देने के लिए एक कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है जिसके सापेक्ष कैंची की हेल्प से इन कागजों को काटा जाता है। अब इन कागजों को पैकिंग कर एक प्रिंटिंग प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है। दोस्तों, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में एक प्रिंटिंग मशीन द्वारा इन्हें और अट्रैक्शन देने के लिए कलरफुल डिजाइन और कंपनी के नेम की ब्रांडिंग की जाती है। इस ब्रांडिंग प्रोसेस के बाद बेम्बू के स्टिक को एक लैंप के ऊपर हिट दी जाती है ताकि इन बेम्बू को मजबूती मिल सके। अब वर्कर द्वारा हाथों से इन स्टिक्स को एक एक करके पतंग के ऊपर असेंबल किया जाता है। दोस्तों, कागज पर इन स्टिक्स को चिपकाने के लिए मैदे के आटे से बने फेविकोल और प्लास्टिक पतंग पर चिपकाने के लिए पीवीसी गम का यूज किया जाता है। अब इन पतंग पर पीछे की ओर पूंछ को भी लगाया जाता है जिसे वर्कर द्वारा हाथों से ही तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, अब यह पतंग तो बनकर तैयार है लेकिन इसे उड़ाने के लिए मांझे की जरूरत तो होगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है मांझा। दोस्तों, इस मांझे को बनाने से पहले इसकी फिरकी को तैयार किया जाता है जिसके लिए वुडन पीस के साथ कार्डबॉक्स का भी यूज किया जाता है। सबसे पहले वुडन को गोलाकार शेप दिया जाता है जिसके लिए एक राउंडर मशीन का यूज किया जाता है और साथ ही इसे फिनिशिंग देने के लिए ग्रिट सैंड पेपर का यूज किया जाता है। अब एक रोटेटर मशीन में इन सभी राउंडर फिरकियों के शेप को डाला जाता है जो तेजी से घूमकर इसमें उपस्थित सारी धूल को बाहर निकाल देती है और इसी के साथ एक प्रिंटेड हैंड मशीन द्वारा इन पर कंपनी की लेबलिंग की जाती है। और साथ ही एक वर्कर इन दो राउंड वुडन शेप को ग्लू के साथ कार्डबॉक्स के एक लंबे शेप के साथ अटैच कर देता है। दोस्तों, अब ये फिरकियां तो तैयार हैं, लेकिन पतंग को उड़ाने के लिए मांझे की जरूरत होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे बनता है मांझा। तो इस मांझे को बनाने के लिए आटे के चावल, ग्लू, कलर और साथ ही ग्लास पाउडर का यूज किया जाता है। इन सभी को मिक्स करके आटे का एक लो तैयार किया जाता है। अब इस आटे के लो को एक लोकल धागे पर हाथों द्वारा परत के रूप में चढ़ाया जाता है जिसके लिए वर्कर द्वारा सेफ्टी बैंड का भी यूज किया जाता है। जब ये आटे की परत सूख जाती है तो मांझा बहुत ज्यादा मजबूती वाला रूप ले लेता है। अब इस मांझे को छोटी छोटी मशीनों द्वारा फिरकी पर लपेट लिया जाता है। इस तरह बनता है मांझा। दोस्तों, इसी के साथ बहुतों को मार्बल बॉल वाला गेम पसंद आता है। तो चलिए दिखाते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इन कंचों को कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए सिंपली रिसाइकल ग्लास का यूज किया जाता है जिन ग्लास को हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है और छोटे छोटे छेदों में से इन ग्लास के लिक्विड को गुजारा जाता है जिसे एक कटर मशीन गोल गोल शेप में काट देती है।
और इस बलबलाती हुई भट्टी से कांच की बोले बाहर निकलती हैं। यह कंचे एक ठंडी स्प्रिंग और कन्वेयर से होकर गुजरते हैं जो इन कंचों को ठंडा कर देती हैं। अब दोस्तों इन कंचों की कूलिंग सेक्शन में टेस्टिंग की जाती है। अभी अच्छी बोलों को कट्टों में पैकिंग कर दिया जाता है और फाइनली इन्हें शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती हैं पतंग और कंचे। दोस्तों आप सभी बैडमिंटन यानी रैकेट और शटलकॉक को तो जानते ही होंगे या फिर आप इनके साथ खेलते भी होंगे। आप ही में से बहुत सारे इस बैडमिंटन को पसंद भी करते हैं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं इन रैकेट्स और कॉक की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कैसे की जाती है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। शटल कॉक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों आप सभी ने बहुत सारी शटल कॉक को डिफरेंट कलर में बैडमिंटन के साथ देखा होगा। इन शटल कॉक को बनाने के लिए बतख के पंखों का यूज किया जाता है। जिन पंखों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कुछ वर्कर द्वारा अगली प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बंडलों के रूप में जमाया जाता है। अब इस प्रोडक्शन लाइन में इन पंखों को 1x1 सॉर्टिंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में 26 सेंसर लगे होते हैं जो इन पंखों को डिफरेंट साइज के बक्सों में इकट्ठा करते हैं। अब एक स्पेशल चार्ट की मदद से इन पंखों की साइज को नापा जाता है और क्वालिटी में सही पंखों को अगली प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में सिंथेटिक रबर और कॉर्क की हेल्प से इन कॉक की टोपियों को बनाया जाता है। अब ड्रिल मशीन द्वारा इन कॉक की प्रत्येक टोपी में 16 छेद किए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन छेदों में सभी पंखों को बारी बारी से एक एक करके फिट किया जाता है। अब इन पंखों के टेढ़े मेढ़े भाग को प्रॉपरली स्ट्रेट किया जाता है। यह बनी हुई शटल कॉक हल्की होती हैं, जिनके पंखों को मजबूती देने के लिए इसमें ग्लू को असेंबल किया जाता है। अब एक स्विंग मशीन की मदद से इन सभी पंखों को धागे के साथ सील कर दिया जाता है। यह प्रोसेस इन कॉक के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब इन कॉक को ट्रांसमिटेड मशीन द्वारा चिकनाई दी जाती है और फाइनली इन्हें टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस टेस्टिंग में पास होने के बाद अब इन्हें पैक कर दिया जाते रहे। इन रैकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले मेटेलिक तारों पर कार्बन फाइबर की लेयर चढ़ाकर इन्हें एक ओवन में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अब एक एक करके इन कार्बन लेयर को बाहर निकाल दिया जाता है और इन स्ट्रिप्स को मोल्ड करके बैडमिंटन के हेड वाले सिर को बना दिया जाता है। और एक अदर फाइबर के टुकड़े की मदद से एक मेटेलिक रोड और इन रिंग को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद आधे बने रैकेट को शेपिंग मशीन में डाला जाता है जो इसे हीट के द्वारा सही लुक दे देती है। अब इन रैकेट के सिर वाले भाग पर ऑटो ड्रिल मशीनों द्वारा छेद किए जाते हैं। इन छेदों को करने के बाद अब इस पार्ट्स के साथ रैकेट हैंडल और केप को असेंबल किया जाता है और इसके बाद इन्हें पेंटिंग रूम में भेजा जाता है, जहां पेंटिंग के साथ साथ इन पर डिजाइन स्टिकर को भी फिट किया जाता है। अब इन रैकेट्स के हैंडल पर
उल्लू को असेंबल करके इन पर रबर ग्रिप को लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन रैकेट्स पर वायर को असेंबल करके इनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग से पास होने के बाद इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाते हैं कोक और बैडमिंटन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।